अखिलेश ने गैर यादव पिछड़े समाज को भेजा संदेश, मोदी शाह अपने फैसले पर करते रह गए विचार। ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान जब छटके, अखिलेश नहीं बिदके, दोनों को दे दिया अपनी राजनीति से झटका। अखिलेश ने अनुप्रिया राजभर को एक तस्वीर दिखाई, उनकी राजनीति को चौंकाया, जनता को संदेश दिया सब कुछ ठीक है। मोदी शाह नड्डा ओपी राजभर की सुभाषपा को अपने पाले में लाकर खुद की पीठ ठोक रहे थे, अब यूपी के पूर्वांचल में अखिलेश की सियासत के साथ खेल कर देंगे। 2024 की लड़ाई को पूर्वांचल में एक तरफा बनाकर रख देंगे। सियासत की अपनी जाति के नाम पर राजनीति के खिलाड़ियों को अपनी तरफ लाकर नई राजनीति का सूत्रपात कर देंगे। ऐसा हुआ, लेकिन जैसा ओपी राजभर और दारा सिंह ने सोचा था वैसा होने से रोकने के लिए अखिलेश ने एक तस्वीर दिखाकर जनता को संदेश कुछ इस तरह से दिया कि शाह नड्डा से ओपी राजभर चौंक से गए। अनुप्रिया पटेल जो सोनेलाल पटेल को राजनीति का खुद को वारिष्ठ बता रही थी, अपनी बड़ी बहन पल्लवी पटेल की सियासत से लड़ाई लड़ रही हैं, उनके सामने उनके मां कृष्णा पटेल को रख दिया, बता दिया सोनेलाल पटेल के बाद उनकी राजनीति के असल तौर पर बढ़ाने वाले कोई और नहीं बल्कि अनुप्रिया की बड़ी बहन पल्लवी पटेल हैं, जिससे मां के तौर पर कृष्णा पटेल का आशीर्वाद है। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने के लिए बेंगलुरु में हैं। वहां की उनकी एक तस्वीर समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई। तस्वीर में बीएसपी से सपा में आए लालजी वर्मा, रामाचल राजभर से लेकर सहयोगी अपना दल कमीरावादी के मुखिया कृष्णा पटेल तक शामिल हैं। विपक्षी एकता से पहले आंतरिक एकता को दिखाती है तस्वीर। अखिलेश यादव की बचे हुए सहयोगियों को सहेजने की कवायद मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी की चाल को डिफ्यूज करने के लिए चुनाव के पहले भगदड़ रोकने की एक बड़ी चुनौती अखिलेश के सामने है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को मन मुताबिक नतीजे भले न मिल पाए हों, लेकिन पार्टी के वोट बेस में व्यापक विस्तार हुआ था। इसकी बड़ी वजह चुनाव के पहले बीजेपी और बीएसपी छोड़कर आए नेताओं से बना मोमेंटम था। पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों के प्रभावी चेहरों की सपा में एंट्री में पार्टी गैर यादव ओबीसी वोटों में भागीदारी बढ़ाने में सफल रही। साथ ही चुनाव के ठीक पहले सत्तारूढ़ दल से इस्तीफा देकर मंत्री विधायकों के सपा में आने से ये मैसेज भी गया कि मुख्य विपक्षी दल के तौर पर बीजेपी से वही मुकाबला कर रही है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले सपा के गठबंधन की गांठ को कमजोर करने का प्रयास किया गया। महान दल सुभाषपा जैसे सहयोगी पहले ही साथ छोड़ चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर लगातार सपा पर हमलावर हैं। आरएलडी की दोस्ती को सपा से दूर होते बताया जा रहा है। दारा सिंह चौहान के भाजपाई होने के बाद कुछ और चेहरों के पाला बदलने की बात हो रही है। लोकसभा चुनाव के पहले पार्टी की बैठकों में अखिलेश संवाद और सामंजस्य बेहतर करने की लगातार नसीहत दे रहे हैं। हालांकि उच्च स्तर पर भी यह संकट बना रहा। विधानसभा चुनाव के पहले भी सहयोगी दलों और नेताओं की ओर से संवाद को लेकर शिकायतें आ रही थी। अखिलेश के करीबी कुछ नेता इसको लेकर लगातार निशाने पर थे। चुनाव के बाद पार्टी सत्ता से दूर रह गई और आने वालों की उम्मीदें भी धूमिल। ऐसे में पार्टी और उसके मंचों पर प्रमुखता से जगह ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। हालांकि बहुत से चेहरों को इस स्तर से भी निराशा हाथ लगी। टिकटों के चयन से लेकर रणनीतिक निर्णयों में उपेक्षा के सवाल पर मुखर रहे, इसलिए ऐसे चेहरों ने दूसरी जगहों पर संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी। बीजेपी की रणनीति भी है कि वो विपक्ष के अधिक से अधिक चेहरों को तोड़ सके, जिससे एकजुटता दिखाने की विपक्षी कवायद को कूंद किया जा सके। सपा के गठबंधन में अभी फिलहाल रालोद और अपना दल कमेरावादी ही बचे हैं। रालोद को बेंगलुरु की बैठक का पहले से ही न्योता था। माना जा रहा है अपना दल कमेरावादी के मुखिया कृष्णा पटेल को बैठक का हिस्सा अखिलेश की पहल पर बनाया गया। सोमवार को विपक्षी दलों के डिनर का वो भी हिस्सा बनी। इसे छिटकते सहयोगियों के उपेक्षा के आरोपों को थामने के दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। लालजी वर्मा और रामाचल राजभर की भी अपनी बिरादरी और क्षेत्र में ठीक दखल है, इनके ऊपर भी बीजेपी की नजर है। ये खिसके तो पूर्वांचल में सपा के समीकरण कई सीटों पर खराब होंगे। हालांकि अखिलेश ने दोनों को पहले ही अपनी राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बनाया। बेंगलुरु में उनके साथ तस्वीर साझा कर सपा ने संदेश देने की कोशिश की कि जो आए उनका पूरा सम्मान है और पार्टी उनको अपने साथ जुड़े रखने के लिए हर जतन करेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।